परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो क्या बता रहे हैं गरीबदास जी, जो परमात्मा गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे सतलोक में और सब कुछ दिखाकर अपना उसके अंदर ज्ञान फीड करके बच्चे को वापस भेज दिया जब वो 10 वर्ष की आयु के थे। 10 वर्ष की आयु के थे गरीबदास साहिब जी, जो परमात्मा साथ लेकर गए थे उसको वापस छोड़ दिया था, काफ़ी समय तक अपने साथ रखा, पीछे से बच्चे को मृत जानकर और उसको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा गांव एकत्रित था, उसी समय मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी। कबीर भगवान ने वो बच्चा खड़ा हुआ, चारों तरफ देख रहा है कि सचमुच में तो मर ही गया था, नहीं तो स्वप्न जान लेता वो बालक। उसके बाद उसमें जो फीड किया था ज्ञान, उसके आधार से परमात्मा के ज्ञान को और महिमा को कैसे सुनाया। मन तू बस रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, रत्नागार, आगार माने खान की खान भरी है सुख की, वहां पर कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक ओके दर दर घूमया तो मिला ना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुरकों जाकर तो फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मध महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे, दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राज पाठ के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदबल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना, 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अब पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्माओं, आप जी को दास ने बहुत बार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी की बहुत बार आपको जीवनी दिखाई है, जो जैनियों के द्वारा ही अंकित है, उन्हीं की बुक में दिखाया है। उसमें क्या दिखाया है कि वो 80 लाख बार तो देवता बना, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और बिल्ली कुत्ता, और गिनती नहीं कितनी बार नपुंसक, कितनी बार स्त्री, कितनी बार क्या बना। अब कुत्ता बनाते और गधा बना हुआ तो एक जीवन बहुत पर्याप्त है उस देवता पद का नाश करने के लिए। बाढ़ में गया वो देवता, 80 लाख बार देवता बन गया ऊपर के लोकों में स्वर्ग में, और फिर गधा बनकर खड़ा हो गया खा के वो देवता। तो अब क्या बताते हैं परमात्मा, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बगारे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गधा, कहते ये जुनी तूने भोग ली, कहते कोट जन्म तू राजा की ना, राजा भी बने हो आप, रानी भी बने हो, अपने पुनों का नाश करके फिर कुत्ते गधे की योनियों को भी प्राप्त हुए हो, कहते कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। आप जी ऐसे भी साधक रहे हो, किसी जन्म में घर त्याग दिया, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठे, और गांव से नगर से रोटी मांग कर ले जाते थे, शाम ने खा ली, सुबह उसको कपड़े में बांध कर वृक्ष का टांग देते थे साधु संत, वह सूख जाती थी, उन्हीं को दो दो तीन तीन दिन भिगो भिगो कर खाते रहते थे कि आने और जाने में नगर में समय लगेगा, वेस्ट जाएगा, हमारी साधना में दिक्कत आएगी। कि ऐसे भी तुम साधक रहे हो जिससे क्या प्राप्ति हुई, स्वर्ग चले गए, फिर गधे की योनि पाई, राजा बन गए, फिर कुत्ता बन गए, व्हाट इज दिस। कोट जन्म तू राजा के ना मिटी न मन आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप जी को ये सत मार्ग, शास्त्र अनुकूल साधना
और वो संत ना मिले जिस कारण से आपने ऐसी ऐसी तपस्या करके क्या क्या उपलब्धि की। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओए इंद्र स्वर्ग का राजा बना और कुबेर धन का देवता भी बन लिया, वित्त मंत्री इस काल के। इंद्र कुबेर ईश, ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान पद मानते हैं ये लोग। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया और विष्णु नाथ के लोक को जाकर फिर भी जन्म मरण में आया। एक समय मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र की पदवी उसको प्राप्त होती है जो 100-100 मन घी के और 100 यज्ञ कर दे। एक बार के अनुष्ठान में 100 मन देसी घी गाय का भैंस का लगे। जब जहाँ 100 मन देसी घी लगेगा तो उसमें फिर अन्य कॉस्ट कितना होगा और खर्चा, रोटी टूके का, दाल फ्राई का, अंडरस्टूड है, कुछ हवन में लग जाता। ऐसे ऐसे फिर उस प्रत्येक यज्ञ जित 100 यज्ञ करनी पड़ेंगी उसको, और 100 यज्ञ की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सफल होनी चाहिए। यदि वो कंडीशन फेल होगी तो भी वो यज्ञ खत्म और नए सिरे से फिर शुरू, जब जाके इंद्र बनता। दूसरा इंद्र बनता है तप करने से, तप से राज राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। तो और इंद्र को एक हिदायत होती है, साथ में एक इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए, जिससे बहुत सतर्क रहता है कि आपके शासनकाल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि किसी ने पृथ्वी के ऊपर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या कर ली या यज्ञ कर लिया तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा, उसको उस पद को दिया जाएगा। इसको ये चिंता बनी रहती है कि ये किसी को भी इस पृथ्वी पर उसके यज्ञ सफल नहीं होने देता। एक बार विश्वामित्र ने तपस्या शुरू करी थी, इसके तो यही इसने अपने हलकारे छोड़ रखे, अपने दूत भेज रखे। पता लग गया कि विश्वामित्र नाम का एक ऋषि ऐसे कर रहा है, उसने एक अपने वहाँ से अप्सरा भेज दी, एक सुंदर देवी भेज दी, अपनी नौकरानी, वहाँ नौकर हैं इसके सारे, और उसने आकर विश्वामित्र का तप भंग करके उससे एक लड़की उत्पन्न करके और भागी। कहने लगी संभाल ऋषि जी अपने परिवार को, हम चले। अब ये ऐसे करता है, इसी दृष्टिकोण से जब उसको ये पता चला कि मार्कंडेय नाम के एक ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्यारत है, तो इसने दो बात निस्वाती कि कोई तप करके या यज्ञ करके मेरा राज ना छीन ले। राज के लिए तो नाश करा दे, राजा लोग सेना मरवा डालते हैं, कितने मर जाओ चाहे, तो वो तो इंद्र का राजा, वो तो किरा के करवा दे। उसने एक सुंदर उर्वशी भेजी मार्कंडेय जी को उसका तप भंग करने के लिए। आकर के वो नाच भी ली, सारे कुछ साजबाज भी अब ऑटोमेटिक धुन बज रही है और वहाँ आसपास का वातावरण भी उसने अपनी सिद्धि से बसंत जैसा कर दिया। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने मुस्काए नहीं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं की कि वो अट्रैक्ट हो गया, आंखें खुली थी आधी। अंत में वो नी वस्त्र होगी वो उर्वशी वो अप्सरा। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती, आप क्या काम आए हो, बताओ मुझे। तो कपड़े वस्त्र पहनकर उसने कहा कि हे ऋषि जी, इस बनखंड में जितने भी अन्य तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही डामाडोल हो गए, उनका तो बुरा हाल हो गया था, लेकिन तुम ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप जाने। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहाँ थी, मैं जहाँ देख रहा था डांस, वहाँ पर तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की 6-6, 7-7 नौकरानियाँ हैं, तुझे क्या चाहूँ मैं। अपने आत्माओं सारी पोल खुलेगी, ऋषि और मैं ऋषियों के कितने साधक थे। अब जैसे जो घना ऊंचा अपने आप को साधक मानता है वो क्या कहता था कि हम तो ब्रह्म साधना करते हैं, और ब्रह्म साधना करने वाले की जो दिव्य दृष्टि होती है ओम से का जाप होता है, और हठ योग तो इन्होंने ये शामिल कर ही रखा, बाकी हठ योग इस भक्ति मार्ग में नहीं है। हठ योग करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, ब्रह्म लोक में जाने की आशा रखते हैं। तो जब इन जैसे किसी भी लोक में कोई भी गतिविधि हो रही है तो आप अपनी इस बॉडी में देख सकते हैं,
हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, मूल कमल, ये जो बीच की पिछली जो स्पाइन बैकबोन है, पिछली रीढ़ की हड्डी है, ये जहाँ एंड होती है नीचे जाके, इसकी अंदर की साइड में दो उंगल ऊपर, इससे दो उंगल ऊपर वहाँ पर मूल कमल है, उसमें गणेश जी का चैनल है, और फिर उससे दो उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, ब्रह्मा जी का चैनल है, उसमें ब्रह्मा जी के लोक में जो गतिविधि हो रही है उसमें देख सकते हैं। फिर नाभिकमल के अंदर विष्णु और लक्ष्मी जी का जो लोक है उसका कमल है, उसके लोक में जो हो रहा है सब आप इसमें देख सकते हो, जब खुल जाता है ये, ऑन हो जाता है जब इसका चैनल, ऑन हो गया यानी ये कमल खिल जाता है। हृदय कमल में ये शिव और पार्वती के लोक का सारी गतिविधि हृदय कमल में हम देख सकते हैं, जब हमारी ये दिव्य दृष्टि काम करने लग जाएगी। कंठ कमल में दुर्गा जी का कमल है, चैनल है, और त्रिकुटी में जाकर के एक अलग चैनल है, और फिर सहस्रार कमल है, यहाँ पर 1000 पतियों का कमल है। तो जिस भी साधक का जौन सा चैनल खुल जाता है, ऑन हो जाता है, उसमें चल रहे कार्यक्रम वो ऐसे खुली आँखों भी अपनी सुरती से देख लेता है। अब हम सोचते हैं ये साधना कर रहा है, हर देख के मार्कंडे डांस ऊपर। अब देखो, हम तो परमात्मा कहते हैं कि आप देखते हो साधु संत ऊपर से ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं और बड़ी तपस्या करते हो, काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं। ये मन ऐसा दुष्ट है, आप कहीं पर एक बस की इंतज़ार में जा बैठी हो कि बस स्टैंड पर, और 5 मिनट में 2 मिनट में कहेगा देखना कि क्या बस, जब खड़ा हो लेगा फिर बैठेगा, और ये पता 1/2 घंटे में आओगी अभी, और फिर जो खड़ा हो देखते लेकर दे आगे हो, यानी 1 मिनट भी ना टकर दे हो और आप चले जाते हो फिल्म देखने, 3 घंटे तक जो बैठा रहेगा कति, क्यों नहीं नहीं दिखे इसने, कति नहीं चर्चा करे, चाल उठ कर चलेंगे। तो ऐसे ये मन वहाँ टकता है जो आँख सामने वाली आँखों से और हटकर कोई और अच्छा दृश्य ये देख रहा होता है, तब ये ऋषि लोग बैठे रहा करते थे, ना 1 मिनट भी ना टकर गए हो। इसके लिए सूक्ष्म वेद में कहा है, डंब करें डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करियो बोव सोल बबूल। अब मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्म लोक की साधना को, ब्रह्म की साधना को सर्वोत्तम मान रखा था, और अन्य की साधना को वो घटिया बताता था, और इंद्र के लोक तक को भी वो अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि उसको ब्रह्म लोक में जो सुख है वो बड़ा होटल है। जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई होटल हो, अरे एक वो कै स्टार बोल रहे हैं दिल्ली में, एक वो 5 स्टार है, 8 स्टार है, उसमें हो उसमें जावे, तो वहाँ जो सुविधा है वो बरवाड़ा के होटलों में थोड़ी पाओगी। तो इसी प्रकार ये यहाँ के स्वर्ग जो इंद्र का लोक आदि ये स्वर्ग, ये तो बरवाड़ा के होटल समझ लो उस ब्रह्म लोक की तुलना में, लेकिन है वो भी रेस्टोरेंट ही, जेब अपनी कटेगी, सारे पुण्य नाश हो जाने के बाद फिर नीचे पटके जाएंगे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, और ये ब्रह्म खुद कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ जो मार्कंडेय ऋषि अपने आप को इतना सुपीरियर मान रहा था, तो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि, मैं ब्रह्म लोक में समाधि गई थी मेरी, उस बड़े रेस्टोरेंट में 5 स्टार में, और वहाँ पर जो मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे जैसी तो उन नाचने वालों की नौकरानियाँ थी साथ साथ, तने तेरे को क्या देखूँ, तेरे से कोई और सुंदर हो उसको बुला, उसको भेज, वो भी अपनी ट्राई करके देख ले। तब उसने कहा उर्वशी ने कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, यानी सबसे ब्यूटीफुल जो औरत होती है स्वर्ग में वो इंद्र की पत्नी होती है, बाकी उससे नीचे नीचे ही होती है। उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, और आप एक बार इंद्रलोक में चलो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि जब इंद्र मरेगा तब तू क्या करेगी, उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र वरूंगी। पुण्यात्माओं ये दातम ज्ञान आप ध्यान से सुनना, आपको निर्णय होगा। अब ये कितनी पुण्यात्मा थी, कहते हैं भिक्षुकों के दर दर घूमा मिला ना निर्गुणरासा, ऐसी कठिन साधनाएं तपस्याएं आपने की जिस कारण से जैसे इंद्र बन गया, 72 चतुर्युग तक वो शासन करेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, डेफिनेट फिक्स है ये टाइम। उसके बाद फिर कोई इंद्र पदवी प्राप्त करने वाला वेटिंग लिस्ट में पाओगा,
उसको फिर बैठा दिया जाएगा इंद्र की पदवी पे, और उसकी सची नाम की जो औरत है, इंद्र की पत्नी है, वो क्या कह रही है कि मैं इतनी लंबी आयु है मेरी, मेरा इतना समय है स्वर्ग में सुख भोगन का, कितना कि 14 इंद्र मर जाएंगे, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा, उस समय मेरी मृत्यु होगी, इंद्र मरते रहेंगे, दूसरा इंद्र गद्दी पर आ जाएगा, मैं उसकी पत्नी रहूंगी, यानी मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और स्वर्ग का सुख और पुरुष सुख प्राप्त करूंगी। इतनी महानता मान रही थी अपनी वह। तो मार्कंडेय ऋषि को विधान ज्ञान था कि वो इंद्र मरेगा जब क्या करेगी, उसने कहा मैं 14 इंद्र पति बनाऊंगी और मैं जीवित रहूंगी, वो मरते रहेंगे। मार्कंडेय ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, जब एंड होगा उसका, ब्रह्मा जी का एंड होता है एक दिन का, तो सभी मरते हैं, तब क्या करेगी कि जो ब्रह्म लोक रहता उसमें, तो फिर वो उसको भी मालूम है उस औरत को, उर्वशी को, कि जितने इंद्र मरेंगे वो तो बनेंगे गधे मृत्यु के बाद मृत लोक में यहाँ, और मैं बनूंगी गधी मृत्यु के बाद। मार्कंडेय ऋषि कहता फिर मुझे इसे गंदे लोक में क्यों ले जा रही थी, जिसके राजा गधे बने, रानी बने गधी, मुझे उस वहां ले जाने के लिए तू किस लिए आई। उर्वशी ने कहा कि मैं अपनी इज्जत रक्षा के लिए आई, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे दुहागन दे देंगे, तू हार कर आगी, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय कहने लगा रे भूतनी, तू आज भी गधी 14 खसम करेगी और इज्जत की फिर भी ठेकेदार नहीं बन रही, तू जाए अपना काम कर यहां से। पुणात्माओं ऐसी अकल है हमारी। इतने में इंद्र आ गया, इंद्र आ गया स्वर्ग का राजा, और उसने कहा कि हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, इंद्र की पदवी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि अरे अरे इंद्र, तू क्या कह रहा है, इंद्र की गद्दी हमारे लिए तो काग की बीट है, और भले आदमी तू भी त्याग दे इसने, ना गधा बनेगा, आजा तुझे मैं ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब उसने ब्रह्मलोक तक का पता था, मार्कंडेय ऋषि को इतना ज्ञान था ऋषियों को, फिर भी वो अपने को सुपीरियर बता रहा है और उसको हिदायत दे रहा इंद्र को के छोड़ दे इस राज के लालच ने, आजा तुझे साधना बता दूं ब्रह्मलोक की। ब्रह्मलोक के अंदर काफी लंबा समय होता स्वर्ग का, जो ब्रह्मलोक जिसको प्राप्त हो जाता उसी को प्राप्त होगा, जो डट के ओम नाम का जाप करेगा, बहुत यज्ञ हवन करेगा, उसका लंबा समय होता है, क्योंकि उसके पुण्य गणे हो जाते हैं, पुण्य ज्यादा तो लंबे समय तक रहेगा, फिर वो खत्म होते ही जेब कटते ही फिर आ लेगा, या फिर चूहे गधा बन के खड़ा होगा। अब इंद्र क्या कहता है, कहने जी फिर देखेंगे, फिर कभी भलो इप्तमन राज करण दे, मौज लेन दे। अपने आत्मा ये दशा आम जीव की है, आप किसी भी उच्च अधिकारी को जिसने सुख का सांस समय पर रोटी मिल रही हो उसको पता कर देखो, चर्चा चलाओ, और फिर उसको कहो देखो जी ऐसे ऐसे होगा, अगले जीवन में पशु बनोगे गधे बनोगे, हैं तो वो कहा जी फिर देखेंगे, क्यों देखेंगे, फिर गधा बने पाछे फिर क्या देखेगा, फिर तो कुमार देखेगा, गधा बन गया था कड़म मारेगा लठ और डायमंड का बोरा तेरे कमर पर धरेगा, देखना तो अब देख और छोड़ बुराई कर भक्ति भगवान की। तो किसी ने टोक लो, आप किसी को कह दो नुक फिर देखांगे, तब अभी टाइम नहीं आया है, हर फिर कोई कह दे कि तुम गधा बनोगे कुत्ते बनोगे, वाह भाई वाह ऐसी बात कैसे कह दी तूने, लड़ और पड़े झगड़ा और करते मानने नहीं। परमात्मा कहते हैं राम नाम से खज मरे और कोडी हो गल जावे, फिर शुक्र हो के अवतर नाक डूबता खावे। हाय हाय, कहते हैं कर्महीन इंसान राम नाम की चर्चा से तो खज मरे नाराज हो जाता है, और फिर भगवान की भक्ति ना करने से कुष्ठी हो गल जावे, और फिर क्या बनेगा, कहते सूर हो के जन्मेगा और नाक डूबता खावे, ओए ओए गंद खावेगा फिर ये। राम नाम से खज मरे
और कुश्ती हो गल जावे, शुक्र सुवर होके अवतरे, फिर नाक डूबता खावे। हाय हाय, परमात्मा जब आपकी आत्मा का मैल हट जाएगा, वो सूर दिखाई देगा अपने सपने में भी, है भगवान ऐसा जुल्म होना था और अब बाईपास कर दिया आपको परमात्मा ने, कोई भी ऐसा संकट और कोई आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, केवल सतलोक प्राप्ति होगी। अब फिर एक दिन मार्कंडेय ऋषि बैठे थे और चीटी कीड़ी का नाल चल रहा था, चीटियों का ऐसे ऐसे लाखों की संख्या में इधर उधर भाग रहे थे। काफी देर ध्यान से देख रहा था मार्कंडेय ऋषि, इंद्र आकर पीछे खड़ा हो जाता है, वो देख रहा था महात्मा किस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, महात्मा जी क्या देख रहे हो? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये देख रहा हूँ कि इन चीटियों में कौन सी चीटी ऐसी है जो कितने बार इंद्र बनी है। इंद्र ने कहा कि हे महाराज, ये चीटी भी इंद्र बनी है? हाँ, बहुत बहुत बार बनी है, केवल एक चीटी है इस सब में जो घूम रही थी, जो केवल एक बार जिसने इंद्र की पदवी प्राप्त करी है, बाकी तो कई कई बार इंद्र बन लिए, उसका फिर भी अकल ना आई, क्योंकि कमाल है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नरपावत ना आई। अब दूसरी बात ये थी कि मान ले इंद्र उस साधना को त्याग कर मारकंडे वाली कर लेता, तब केकला टूट गया था, फिर ब्रह्मलोक में जाकर फिर धक्के खाने थे, फिर आ जाता यहीं पर। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वन दुमराया, विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मर्त्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर मज मैल मठ बोरे बहुर न देह दरे रे, असंग जन्म तो मर्त्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे। एक बार जीवित मर के देखो, जीवित मरना है, संसार के इन चोचलों की तरफ ध्यान नहीं दे, उसने कोठी बढ़िया बना ली मैं भी ऐसी ही बनाऊं, नहीं, जो राखो तो ही रहूं मेरा के चारा, और खाने जात खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। भक्ति हृदय से ना जानी चाहिए, ते झोपड़ी में टाइम पास कर लो और फिर देखना सुख जाके वहां सतलोक में क्या सुख होगा, ये तो झूठा सुख है। अब जीवित कैसे, ये मरना पड़ेगा जीवित, संसार को देखकर हम नहीं चलेंगे इस मार्ग पर, हम भगवान के विधान अनुसार सफर करेंगे अपना। दूसरा मरना ये है, जैसे जब हम यहाँ आने की सोचते हैं तो ये मन पता नहीं कितनी हमारे सामने समस्याएं पैदा कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे हानि हो जाएगी, फिर देख लूंगा अगली बार देखूंगा। अब वहाँ उस समय ये विचार लाओ कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मेरा एक मित्र था, अब याद आती हैं वो बातें, कि वो नाइट सर्विस से गया, कहीं जाना था और सुबह वापस आना था, उसने घना जरूरी काम था, वो नाइट सर्विस में वो काम करने गया, दिन में समय नहीं मिलना था, इतना बिजी शेड्यूल था उसका, और वो वही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो मर गया उसमें नाइट सर्विस पे, वो बिजी शेड्यूल भी गया और भाई भी गया, परमानेंट टिकट कट गई। अब परमात्मा कहते हैं कि आप जब यहाँ आने लगो और कोई घर में कोई काम में हानि नजर आवे, तो ये सोच लो कि आज मान ले मेरी मृत्यु हो जा, फिर कौन करे, फिर कहाँ जाएगा यो आठ भगवान के मार्ग में। कहते 100 काम छोड़ के भगवान की तरफ चल पड़ो, और भगवान के यहाँ 2-3 दिन जीवित मर का जो नो सोच ले मृत्यु होगी, फिर भी तो कोई संभालेगा, 3 दिन में 4 दिन में जो हानि होगी वह हो लेगी, फिर जिंदे तो हैं फिर संभाल लेंगे जा करके, और जब परमानेंट टिकट कट गई तब क्या कर लोगे। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे विचार करोगे तब इस मार्ग पर बढ़ोगे आगे, नहीं तो ये काल आपने आण नहीं दे, ऐसे करते करते जुगाड़ में मृत्यु हो जाएगी, भगवान से भी गए और काम से भी गए। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि एक हमारा मित्र था, उसको हमने बहुत कहा, दास वहाँ सत्संग करने जाता था तलवंडी बाई में फिरोजपुर जिला में, उनका हमारे गुरु जी का स्थान है वहाँ मेन स्थान,
गुरु जी के जाने के बाद कुछ दिन वहाँ सत्संग करने जाया करते सेकंड संडे को। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने एक रिश्तेदार को बहुत मना किया, जिस दिन दास सत्संग करने गया था शनिवार की बात है, उनको कह रहे थे कि आप आज रुको और कल सत्संग होगा 9 से 11, गर्मियों का समय था, और आप सत्संग सुन के जाना। सह परिवार था, 2 बच्चे, 2 स्वयं थे मारुति गाड़ी में। उसने कहा कि मैंने जाकर चंडीगढ़ पहुंचना है, वहां मेरा एक कोई अनुबंध है, एक एग्रीमेंट होगा किसी पार्टी से, और मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, संडे को आना है, 2 बजे 1 बजे आप कह रहे हो वो पहुँचेंगे, उनको फोन फान कर देंगे, बाद में चले जाना, आप सत्संग सुनो। वो मान्या नहीं, शनिवार शाम को, और प्रस्थान कर दिया चंडीगढ़ को। अंबाला के आसपास जाकर के एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था लोडेड, और जैक लगा रखा था, पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई एक्सल टूट गया था। अब भाई ने इतनी स्पीड पर जा रहा था, उसने तो 5 लाख का एग्रीमेंट दिखा था अगले दिन कि उनके लिए सेटिंग करूंगा, रेस्ट हाउस बुक कराऊंगा, और आने वाली पार्टी को खूब रिझाऊंगा, अच्छे रेट मिलेंगे। ये सोचता हुआ जा रहा था, उस ट्रक के नीचे घुसकी हुआ मारुति कार, और जैक डिस्टर्ब हो गया, वह ऊपरे पड़ गया लोडी ट्रक, चारों मर गए, वह कार भी गई और व्यापार भी गया, भाई भी गया, सह परिवार गया। अब परमात्मा कहते हैं दुख है हमें इसका, ऐसी घटना घटने का, लेकिन मानते नहीं ये कितना कह ले। राम नाम कड़वा लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली नाराम। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मध महल मठ बौरे बहुर न दे धरे रे। अभी तक हमने दसवां द्वार सुन रखा था, और किसी ने कह कहेगा पता नहीं वो दसवां द्वार है कहाँ। दसवां द्वार तो काल की रेंज के अंदर है, इसी के लोक में खुलता बंद होता है। ग्यारहवां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है, सर पुरुष के लोक को छोड़कर वो ग्यारहवां द्वार है, और बारहवां द्वार अक्षर पुरुष के लोक को छोड़कर सतलोक में प्रवेश करना होता है, वो बारहवां द्वार है, वहां जाकर परमात्मा का सतलोक प्राप्ति होती है। द्वादश महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद द्वादश दर पार करके, वो द्वार पार करके बारहवां, उसके बाद फिर जन्म मरण नहीं होगा, वो परम पद प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के गीता जी के 4वें श्लोक में वर्णन किया है। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिष्ट सभीते देखे राजपाट के रसिया, जैसे आपको सुना है महावीर जैन जी का इतिहास, स्वर्ग में गया राजा बना, फिर नरक में गया गधा बना, कुत्ता बना, सुअर बना, हम भी ऐसे बने हजारों बार, वो तो एक महापुरुषों का रिटर्न इतिहास है, इसलिए समझ में जल्दी आ जाएगा आपके, इसलिए बताया जाता है। और फिर क्या बताया कि दोजिक भिष्ट, दोजिक माने नरक और भिष्ट माने स्वर्ग, ये तने असंख्य बार देख लिए, और यहाँ राजपाट भी बहुत भोग लिया। कहते हैं दोजिक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत ना ही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो काख पीटता फिर सरपंच साहब बन गया, और जो फिर सरपंच साहब सोचता है कि तेरे ऊपर चेयरमैन है, उसके मन में ये रहता है चेयरमैन बनो, जब कि बात बढ़े 5-4 सरपंच भी मेरे अंडर आ जा। चेयरमैन बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि MLA बनूं, MLA बन जाने के बाद मन में रहता मंत्री पद मिले तो कुछ आनंद आना, तो यम MLA भी कुछ नहीं। मंत्री बनने के बाद उसकी धारणा बनती है कि मुख्यमंत्री बनूं जब कंट्रोल पूरा हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सोचता है कि प्रधानमंत्री बनूं तो जीवन सफल हो। इतने में भाई की टिकट कट ले, फिर गधा बना पावा कितना है। तेरा गज भैया, परमात्मा कहते हैं अगर 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसको संतोष नहीं है। कहते दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तिरपत ना ही यो मन भोगी खसिया।
फिर कैसे मिटेगी इसकी ये तृष्णा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। के सतगुरु मिलेंगे तब ये इच्छा मिटावेंगे इस काल की, इन परों को काट देंगे जो बेमतलब की उड़ान दिन रात भरता रहता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, ये है सुख संवेद। पद मिल पदे समाना, पद और पद मिलान, पद मिल पदे समाना, पद माने पद्धति। यहाँ पर पद के दो अर्थ हैं, एक पद माने पद्धति यानी पूजा की विधि श्रेष्ठ, पूजा की पद्धति सही मिले, शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र अनुकूल, और वो पद मिले कौन सा, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। जिसने, जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की केवल उसी की भक्ति कर, गीता ज्ञानदाता कहता है। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पहले तो पहले वो ये समस्या हल करेगा जो आप बेमतलब की दिन रात टेंशन लेते हो, ये कर दूं वो कर दूं, उसका अंत पता लग जाएगा, इसका अंत क्या होगा। और आपको यहाँ जो चाहिएगा, भगवान कोई बालक थोड़ा ही है, जब आपके उसके बच्चे हो गए, आप अपने बेटा बेटी की कितनी केयर टेक करते हो, आधी बार तो वो आपको बताते नहीं, आप पहले ही तैयार रखते हो उसको ये जरूरत पड़ेगी, अब ये लाता हूँ इसके लिए। जब आज जिसने यहाँ नाम ले लिया सच्चे दिल से, वो लग गया, वो कबीर साहब का बेटा बेटी हो गए, ये वचन के बच्चे हो गए आप हमारे। अरे हम अपने बच्चों की कितनी चिंता माँ बाप ने होती है, परमात्मा ने उससे कई गुना होती है, और वो समर्थ है, उसके पास तो सब उपलब्ध है, किसी तो मांगना भी कोई नहीं उसने, तो आपको कमी किसी वस्तु की नहीं रहेगी। कमी रहेगी तो आपकी भक्ति और श्रद्धा विश्वास और मर्यादा में रहेगी। सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमोज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मा। इस सच्चे दरबार में कहते इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है भगवान कबीर साहब की डिक्शनरी में। यदि आप कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हो सच्चे दरबार में आके, तो आपकी कोई सेवा के अंदर, आपकी धारणा के अंदर, आपके विश्वास में कोई त्रुटि है, उसकी पूरी करो। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंस मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, आदि अमर स्थान को, जो सदा रहने वाला स्थान, उसको प्राप्त होगा। उसके लिए उसने बता दिया है कि इस तत्वदर्शी संतों को खोज ले, मैं नहीं जानता उस वे ऑफ वर्शिप को। फिर गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं, चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। वहां कितना सुख होगा आपको, यहाँ की चार मुक्ति मानते हैं, कहते ये तो मुक्ति अक्षणिक है और वो सुख भी नहीं है वहां वाला, और ये तो नष्ट होंगी एक दिन, और वो इतना सुख आपको सदा आपके चरणों में रहेगा वहां सतलोक में। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। क्या बताते हैं कि ब्रह्मा नाशवान, विष्णु नाशवान, शिव नाशवान, दुर्गा नाशवान, इनका पिता ब्रह्म नाशवान और परब्रह्म अक्षर पुरुष नाशवान, केवल एक परमात्मा अविनाशी है, जो 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में वर्णित है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक धर्म अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, वो है वास्तविक अविनाशी परमात्मा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो इन दोनों से अन्य है वो परमेश्वर। और वो परमात्मा कौन है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
जात जुलाखा विद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सृजनहारे। फाई सूरत मनुकी वेश एठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बारिये दानक रूप रहा करतार। नानक जी कहते हैं इससे पहले जो वाणी सुनाई थी वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की थी। परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपको उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए एफिडेविट और बताता हूँ कि कौन है वो भगवान। कहते हैं मिले राम अविनाशी, कौन? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार। वो कबीर कौन? नानक साहब जी क्या कहते हैं 721 पृष्ठ पे, एक अर्ज गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, पहला मैला। एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। 24 नंबर पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, क्योंकि नानक साहब जी को सतलोक में लेकर गए थे कबीर साहब और वहाँ जिंदा रूप में मिले थे बेई नदी पर, वहाँ देखा फिर उनका सिंहासन पर दूसरा रूप, ओए होए होए। और फिर परमात्मा ने कहा था मैं काशी में जुलाहे का काम करता हूँ, सतना वहाँ मिलेगा बच्चा, वहाँ आना। उसके बाद नानक साहब जी ने वो हिंदू धर्म की सब साधनाएँ राम कृष्ण की छोड़ दी थी और सीधा पहली उदासी में काशी पहुँचे। वहां जाकर देखा दुल्हे का रूप में खड्डी में बैठे कपड़ा बुनते उसी परमात्मा को जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक के सिंहासन पर विराजमान था, वह सकल लेकिन नूर में अंतर हो गया था। फिर देखा कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ए लोगों देखो ये बैठा भगवान धारणक रूप रहा करतार, धारणक रूप रहा करतार। उधर फिर रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, परमात्मा उनको भी सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था जब कहा था दो उठो रहे एक तू भया एक से दो, और कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मग दो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही वो लड़हार। फिर क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारी दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है वह कुल के सृजनहार। तो पुण्यात्मा आज का जो सत्संग इसी उपलक्ष में था कि आज के दिन वो परमात्मा स्वयं आए थे, आज से सन 1398 ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, वहाँ से नीरुनिमा नाम के धारणक दुलाहा उनको उठाकर लेकर गए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ आहार नहीं किया था, तब परमेश्वर, यह लंबी कहानी है समय थोड़ा, तो फिर परमेश्वर के लिए एक कुंवारी गाय लाई गई थी, कुंवारी गाय ने दूध दिया था एक साधु महात्मा के आशीर्वाद से, यानी स्वयं शंकर भगवान थे वो। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दूध पीने लगे, 25 दिन तक कुछ आहार नहीं किया, स्वस्थ ज्यों के त्यों थे। तो ये लीला परमात्मा ने की, 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने वो प्रचार शुरू कर दिया था जो मालिक ज्ञान देने आते ही है, अपने मुख कमल से बोलते हैं यथार्थ ज्ञान को, वो कबीर वाणी रूप में आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने नोट किया था। तो ये वो शुभ दिन है जिसके लिए हमारे परमात्मा आए, हमें अनमोल धन दे करके जिसके आधार से आज हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे, अपने निज घर को चले जाएंगे। पुण्यात्माओं लगे रहना और अंतिम सांस तक परमात्मा को याद रखना, आपके यहाँ देखना कितने सुख देगा। आप भूल जाओगे बताते बताते, मुँह का थूक सूख जाएगा, दूसरे को बताने लगोगे तब कितना सुख दिया दाता ने, और फिर आपको मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।